आज जब हम जिसका जिक्र बार बार हुआ है और बार बार होता रहेगा, एक 5 महीने की बड़ी लंबी 3,970 किलोमीटर की राहुल जी द्वारा कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की हुई, कन्याकुमारी से शुरू की हुई जब वो कश्मीर पहुंची, उसके बाद आज उस बैकग्राउंड में जब ये सेशन आज समापन हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारी एक नज़र ज़रूर इन 3 दिनों के कार्यकाल पर जाती है। हमें इस बात का संतोष है कि आपने सभी ने अलग अलग जो कमिटीज़ के रेजोल्यूशंस आपके पास आए, कांग्रेस के 6 अहम रेजोल्यूशंस, वो संकल्प आपने पारित किए जिसके ज़रिए एक नया कांग्रेस में एक ऊर्जा पैदा होगी और एक नए संकल्प के साथ उन सभी के समावेश से हम आगे बढ़ेंगे। आज ये भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, मेरा आपसे धन्यवाद इस बात के लिए करना कि आपने जो संशोधन भारत कांग्रेस के संविधान में किए हैं, वो सचमुच कांग्रेस में और ऊर्जा डालेगी और कांग्रेस को और प्रगतिशील बनाएगी। उसमें पारित हुआ है जो उदयपुर के रेजोल्यूशन के बिना पे था कि सभी हमारे बॉडीज नीचे स्तर से लेके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक सभी में 50% सीटें ओबीसी एसटी वगैरह के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए, सभी के लिए उसका रिजर्वेशन होगी। और जितनी टोटल सीट्स हैं, ये वाली आरक्षित सीटें या इसके अलावा भी टोटल जो सीटें हैं, उनका 50% यानी कि हर कैटेगरी में 50% नौजवानों और महिलाओं को मिलेगा। ये एक बहुत ही एक ज़बरदस्त कांग्रेस की तरफ से पहल है। पहले भी ये पहल श्रीमती सोनिया गांधी ने की थी, आज खड़गे जी के नेतृत्व में ये पहल हम आगे उसको और बढ़ा रहे हैं कि सभी का इसका 50% हम करने लगे हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से श्री तारिक अनवर जी हमारे साथ संयोजक और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कुमारी सैलजा जी की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने देश के कोने कोने से आके हमारे इस सत्र को बहुत कामयाब किया। और ये विश्वास हमें सभी को है कि आप उस ऊर्जा के साथ जब अपने अपने जगह पे जाएंगे, कांग्रेस को और मजबूत जो प्रोग्राम समय समय पे दिए गए हैं और आज भी जिनका ऐलान हुआ है, आप उनको पूरे जोश के साथ करेंगे ताकि एक जो सरकार आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र को ध्वस्त करने पे लगी हुई है, आने वाले समय में उनको लोग हमारी बात पे चलते हुए उनको सबक सिखाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हुआ आपसे एक माफ़ी भी ये ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हमें इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्री भूपेश बघेल जी का, उनके पूरे मंत्रिमंडल का, श्री मोहन मरकाम जी का, उनके सभी साथियों का, और उसके अलावा हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, उनके साथियों ने जो काम किया, हम बार बार आते रहे, देखा किस मेहनत के साथ उन्होंने कामयाब किया। 12,000 से ऊपर के लोगों के लिए व्यवस्था करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई कमी रही हो, आपको कोई दिक्कत कहीं पेश आई हो, उसके लिए हम क्षमा के याचक हैं और आपसे ये हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि आप उसको भूल कर, कहीं आपको दिक्कत आई हो उसको भूल कर, एक नया जोश जो आज आप में, हमारे सभी में राहुल जी ने भरा है, उसके साथ हम आगे निकल पाएँ, सचमुच कांग्रेस के वही रास्ते पे चलते हुए, वही प्रेरणा हम श्रीमती सोनिया गांधी से लेते हुए जिस पे हमें हर वक्त चलना ही होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।